What's up guys? Welcome back to the show. आज हम देखने वाले मेजर गौरव आर्य सर की, जिसका टाइटल है कंगाल पाक की। मेजर गौरव आर्य सर ने की ठुकाई। ओ भैया, अब किस बात पे वो हुई है? एक तरह से रोस्ट हुआ है, तो देखते हैं। जैसे पता है, जैसे मुझे याद आता है ना, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप उसकी यूट्यूब पे कपिल शर्मा शो की देखती हूँ। अब थोड़ी थोड़ी क्लिप याद आती है, मस्त एकदम। ओरिजिनल है डिस्क्रिप्शन में, चैनल का नाम चैनल से वीडियो कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। जाओ किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से, जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। क्या बात, सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लेना, दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमरीका भागने चक्कर में, डॉलर मिल जाए अमरीका भाग जाए, डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं, एंटी अमेरिकनिज्म पूरा। इमरान खान का जो प्लेटफॉर्म है वो तो एंटी अमेरिकनिज्म का है कि बाहरी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तानी फॉर सम रीजन हेट अमेरिकन। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अमेरिकनों से उनकी नफरत क्या है, लेकिन अमेरिकन से नफरत करते हैं, उनके पैसे भी खाते हैं। दोस्तों पिछले 75 साल से जो पाकिस्तान है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स पर पला बड़ा है, वो हराम के डॉलर्स हैं, हराम के। उसको खा खा के पाकिस्तानियों के मोटे मोटे गले, मोटी मोटी मूछें और दाढ़ियां, इतने मोटे मोटे पेट, और यही लोग सड़क पे आके अमेरिकन्स को गाली देते हैं। और यही निकी हेली कह रही है कि भाई एक बात बताओ यार, ये कहां की बात है कि तुम हमें गाली भी दो और तुम हमसे पैसे भी मांगो? निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो, ये बहुत चैचे चैचे पैपे करता है, चाइना का भी बंद करो। अमेरिकन शुड नॉट गिव मनी, व्हाई इज अमेरिका गिविंग मनी? हम तो नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। लोग बहुत इंडिया में कह रहे हैं ना, जो दिल जले टाइप के यहाँ पे, कि ना पाकिस्तान इज रियली सफरिंग एंड आई थिंक वी शुड हेल्प नोबडी। ठीक है, किसी कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। पहले बोला बेटा लाइन पे आओ, पहले इंसान के बच्चे बनो, तब जाके हेल्प मांगना, फिर हम सोचेंगे। ठीक है, इनका वो हाफिज सईद जिसको इन्होंने जेल में डाला था 31 साल के लिए, वो खुला दंदन आता घूम रहा है। अभी 2 दिन पहले की खबर है, हाफिज सईद जिसको कह रहे थे कि भाई 31 साल 31 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया, अब तो मरा ही निकलेगा बाहर, जैसे ही FATF से निकले तो वो भी दंदनाता फिर रहा है। हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन भी दंदनाता फिर रहा है। वो कह रहा है बशारत पीर, पता नहीं वो हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको गोली मार दी तो पाकिस्तान में कह रहे हैं उसको दफना रहे हैं पाकिस्तान में। हमने कल कवर करा था यार, मुझे एक बात बताओ, ये पाकिस्तान में कर क्या रहा था बशारत पीर? ये तो कश्मीर का रहने वाला है, तुम्हारे पाकिस्तान में क्या कर रहा है? फिर तुम कहते हो नहीं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, दुनिया साजिश करती है, हम तो बड़े शरीफ हैं। वो शरीफ वरीफ नहीं हो तुम, सबसे बड़ा कांड तुम ही करते हो पूरी दुनिया में। ठीक है जी, हम शरीफ हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक और ड्रामा हो गया है। मिनिस्ट्री ने बोला है फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सन्स एज गवर्नमेंट डायरेक्ट्स AGPR टू स्टॉप सैलरीज। अच्छा, इसके पीछे जो अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज है, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यूज को यह बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने कि आप सबकी तनख्वाहें बंद कर दो। ठीक है, फिर उन्होंने बाद में बोला कि नहीं, ये झूठ है। इशाकडर ने बोला कि नहीं साहब, ये तो झूठ है और ये है वो है, फ्रॉड है, फरेब है, लेकिन पाकिस्तान में ये डर का माहौल बन रखा है। ये डर अच्छा है, होना भी चाहिए। अब वो कह रहे हैं तनख्वाहें रुक गई, ये कह रहे हैं तनख्वाहें रुक गई हमारी, इस बार हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, यानी कि फरवरी की तनख्वाह जो 1 मार्च को मिलनी थी वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, ऐसा जियो न्यूज कह रहा है। लेकिन इशाकडर कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनने में आया है कि फौज की तनख्वाहें और फौज की पेंशन चलती रहेंगी, और जो बाकी लोग हैं उनसे बोलेंगे कि यार तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी सी देर में देंगे, हो सकता है बाद में दें 7 तारीख को 10 तारीख को, लेकिन 1 तारीख को नहीं मिलेगी, ऐसा पाकिस्तान में चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बोलना चाहता हूं मैं कि देखो आज यह बात हो गई है कि तुम्हारी तनख्वाहें रुक रही हैं, चलो आज नहीं रुकेंगे लेकिन कल परसों जरूर रुक जाएंगे, 1-2 महीने बाद रुक जाएंगे। जब तक तुम लोग ये कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे ना बॉस, जब तक तुम कश्मीर का गाना गाना बंद नहीं करोगे तुम्हें ऐसे ही दर्द पहुंचता रहेगा। अभी चीन ने तुम्हें $700 मिलियन दिया, अब ये देखो ऐसे कार्टून नेटवर्क है पूरा पाकिस्तान में। ये मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इसका, ठीक है, ये ट्वीट देखिए इशाकडर का, अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स $700 मिलियन रिसीव टुडे बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है, तेरे को भीख मिली है भाई, तुझे भीख मिली है तू उसमें खुशियां मना रहा है, भंगड़े डाल रहा है, लुड़ियां डाल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको भीख मिल गई। ये कैसा ड्रामा है यार, ये कैसा ड्रामा है?
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हमें कोई, भगवान ना करे कभी हमारे साथ ऐसा हो, अगर हमें देता ना तो हम मुंह छिपाए फिरते यार कि पड़ोसी क्या बोलेंगे कि भीख मांग रहा है। तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो ट्विटर पे, दुनिया को बता रहे हो कि कितने बड़े भिखारी हो, इंटरनेशनल भिखारी है। और ये शाक डरे फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, कैन यू इमेजिन। मैंने ऐसे बेगैरत लोग अपने पीपल, एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट, एब्सोल्युटली लैकिंग इन सेल्फ रिस्पेक्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने पैसे मिल गए, और ठीक है भाई। एक जर्मनी से ना बड़ी अजीबोगरीब चीज चल रही है जर्मनी में। जर्मनी को ये तो पता ही है कि इंडिया और रूस जो है वो बहुत क्लोज हैं, और आज से नहीं 75 साल से बड़े क्लोज हैं। अब जर्मनी ये ट्राई कर रहा है कि कैसे रूस से भारत को बाहर निकाला जाए, रूस के इन्फ्लुएंस से, या भारत का जो रूस पे इन्फ्लुएंस है, रूस का भारत पे इन्फ्लुएंस है, उससे निकाला जाए। और भारत को भी पता है कि यह काम पीछे से चल रहा है। इसने बोला है जर्मनी ने कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलें, और हमें पता है कि आप क्यों रशिया के इन्फ्लुएंस में। तो जर्मनी का यह मानना और दुनिया का मानना है काफी हद तक सही भी है कि भारत का जो वेपन इक्विपमेंट है ना पूरा, अपना जो हमारी फौजी साजो सामान है, वो दैट इज अराउंड 68% या 70% ऐसी कुछ है, ये रशियन ओरिजिन का है यार। अब रशियन ओरिजिन का जो साजो सामान है, अब आप रूस से अगर बना के नहीं रखेंगे तो वो तो कबाड़ हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपको उसके रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे। ये तो चलो ठीक है, आपके सुखोई हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और थोड़े बहुत से आपका काम चल गया, लेकिन बाकी इक्विपमेंट है आपको रशिया की हेल्प चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यार कई लोग ना आजकल के बच्चे इंडिया वाले जो अमेरिका और वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो लोग एक बात नहीं समझते कि रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी। रशिया स्टूड विथ इंडिया व्हेन द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडिया, व्हेन अमेरिका वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया, व्हेन द वेस्ट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। जब अमेरिका ने बोला था ना हम 1971 वॉर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे और ये भेजेंगे, अपनी पूरी फ्लीट भेजेंगे, तो अपनी सबमरीन्स भेज के अमेरिका को रोका किसने था? रूस ने रोका था। मैं 1971 की वॉर की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, आप वेस्ट से भी अपने संबंध बनाएं, आप रिलेशनशिप बनाएं वेस्ट से, जर्मनी से बनाएं, अमेरिका से बनाएं, लेकिन डोंट यू नो डीलिंग विद रशिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ऐसा सोच रही है, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन ये बात मैं उनको कह रहा हूं ना जो यंग बच्चे हैं, जो ये वाला कहते हैं यूएस 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 रिलैक्स, जब गोलियां चलती है ना तब पता लगता है असली दोस्त कौन है, और जब हमारे यहां गोलियां चली थी तब हमें पता लग गया था असली दोस्त कौन है। यस वी विल डील विद जर्मनी, ऑफ कोर्स वी विल डील विद जर्मनी, हु इज सेइंग दैट वी विल नॉट डील विद जर्मनी, वी विल गेट द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड, वी विल मेक देम आवरसेल्व्स, वी विल इंपोर्ट देम, अगर यूएस से इंपोर्ट करना है यूएस से भी इंपोर्ट करेंगे। रशिया से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया भर से हम दुश्मनी मोल लें, ये पाकिस्तान वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जैसे गांव की दोस्तियां होती है ना कि मैं दुनिया भर से बात नहीं करूंगा, फिर वहां से भी जलील वहां से भी जलील, इंडिया इंडिया का फायदा देखता है, ये हमारी पॉलिसी रही है, लेकिन पुराने दोस्तों का हाथ इस तरीके से नहीं छोड़ना। बहुत सही बात, दोस्ती की बात जो बनाई हुई थी कि उस टाइम पे ऐसा नहीं कि ये दो वर्ल्ड अगेंस्ट था और रशिया ने इकलौता अकेला खड़ा था और हर तरह से बताया था कि सब मिल गया ना, सच्चा दोस्त जिसे कहा जाता है। और सर ने वो बात सही कही कि वैसे तो तुम्हें हराम का पैसा लगता है अमेरिका का, नफरत फैलानी है, लेकिन पैसा भी उनसे चाहिए, और इतना अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस ट्वीट करके भाई साहब पार्टी कर्जा मिल गया है, अलग ही लेवल का, इनको इतनी जरूरत है पैसों की, और अभी तो 700 मिलियन मतलब उनके लिए बहुत कम है, चलो मिल गया ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे जैसे कोई किसने उनको लॉटरी लगा के सिलेक्शन हुआ था कि अच्छा अभी ये भी देखने वाली बात है, अब ये मिले ये तो सबके सामने है, वरना तो चुपचाप लेके गप कर रहे थे, अब इससे करेंगे क्या, मतलब क्या ऐसा करेंगे, सैलरी रुकने वाली थी ना, सैलरी नहीं रुकेगी अब लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से हर एक के साथ रिलेशन बना के चलना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये एरा वॉर का नहीं है, टाइम एंड अगेन सब कह रहे हैं और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि आज के सारी कंट्रीज में ऐसे हथियार है, वो हथियार चला दिए ना, परमाणु परमाणु ये सब चला दिए भैया, दुनिया बैठी रह जाएगी, एक देश कह देगा हम जीत गए लेकिन बाकी दुनिया जब खत्म तो क्या करेगा, क्या करोगे, उस चीज़ का कुछ नहीं, इसलिए हथियार रखो बस शो ऑफ के लिए रख लो, मेरे हिसाब से इनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और कंट्रीज भी काफी अंडरस्टैंडिंग है, बस यूक्रेन और रशिया वाला थोड़ा ठीक हो जाए मामला, और एक पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एटमी बम ले लो भैया, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है, हम एटमी मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं, एटमी एटमी मुल्क इंडिया, और इमरान खान, इमरान खान भी अच्छा लगा, अमेरिका की साजिश है। सर तो मतलब अपने एक्सेंट में इतने बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं ना पाकिस्तानी, कई बार ऐसे सोचते हैं यार शिट आज फिर गड़बड़ हो गई हमारे साथ।
बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी ऐसे अमेजिंग वीडियोस सर के आप देख सकते हो चैनल के डाल चैनल पर, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, टेक केयर।